Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. और आज मैं आंसर करने जा रहा हूँ जो मुझसे मोस्ट ऑफनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वाई आई लव एप्पल. तो मेजरली एप्पल के ही प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, चाहे वो आईपैड हो या कोई भी चीज हो, मेजरली मैं एप्पल के ही यूज करता हूँ. तो आज मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो कि आपने टाइटल से जज ही कर लिया है, क्या आईफोन 11 वर्थ है 2021 में परचेज करने के लिए. जैसा आपको पता है इस समय सेल में थोड़ा सस्ता मिल रहा है, या फिर अगर आप एप्पल की वेबसाइट से लोगे तो भी ये 55,000 का मिल रहा है. क्या ये वर्थ है या नहीं? अगर आपके पास आगे वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो मैं सिंपली आंसर कर दूं, तो यस ये वर्थ है, आप इसे ले लीजिए, ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है. और अगर आपने आगे जानना है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या इसमें कमियां हैं, तो देखते रहिए वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं. वैसे अब जो आईफोन 11 का बॉक्स आता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर से चार्जिंग एडाप्टर और हेडफोन्स रिमूव कर दिए हैं. बट अभी भी अगर आप आईफोन 11 खरीदोगे तो और बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको इसी तरीके से आईफोन ऊपर रखा हुआ मिलेगा, और आप देख सकते हैं, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और आप ये देख सकते हैं ये कितना प्रीमियम फील करता है. हाथ में पहले लेते ही आप महसूस करेंगे कि आपने कोई अच्छी सी ब्रांडेड और प्रीमियम चीज़ पकड़ रखी है. और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था, तो मुझे इसके अंदर चार्जिंग अडाप्टर जो अब अवेलेबल नहीं है बॉक्स के अंदर, और इसके साथ साथ हेडफोन्स जो अब आपको नहीं मिलेंगे बॉक्स के अंदर. आपको ये डाटा केबल मिलेगी, बट मेरे पास ये USB A to लाइटनिंग केबल है, अब जो आती है USB C to लाइटनिंग आती है. जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे आईफोन 11 के बारे में. मैंने आईफोन 10R भी यूज़ किया है, 11 यूज अब मैं कर रहा हूँ, और 12 भी यूज किया है. तो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट जो भी समय कम्पिटिटिव जो ये सेगमेंट है, अपर मिड रेंज सेगमेंट है फोन्स का, वो मैं यूज कर चुका हूँ. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 11 में क्या क्या अच्छा है, आपको इसे परचेज क्यों करना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं. मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल टेक्निकल गाय नहीं हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, और मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, और कुछ फोटोग्राफी करता हूँ. तो बेसिकली ये रिव्यू है एज अ ट्रैवलर, एज अ फोटोग्राफर, और एज अ वीडियोग्राफर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके सबसे बेनिफिट्स के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी बिल्ड क्वालिटी. इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं से भी ये आपको चीप फोन नहीं लगेगा. ये लॉन्च किया गया था 2019 में सितंबर में, और उस समय 65 का था. मैंने जब ये परचेज किया, उसके कुछ दिन बाद जब अमेज़न की एक सेल चली, मैंने उसमें ये परचेज किया, तो मुझे अराउंड 58-59 का पड़ा था, और इस समय 55 का है. और अगर अभी आप सेल में जाएंगे फ्लिपकार्ट पे तो ये 49 के करीब है. तो उस समय भी ये वैल्यू फॉर मनी फोन था, और आज भी ये वैल्यू फॉर मनी है. और इसे पकड़ के जो प्रीमियम फील है, चाहे इसका वेट ले लीजिए, चाहे इसका शेप ले लीजिए, ये आज भी बेस्ट फोन है मार्केट के अंदर जो इन हैंड फील आपको देता है. तो ये मुझे इसका सबसे पहला बेनिफिट लगता है. जो सेकंड बेनिफिट है, दैट इज इसका प्राइस. टू बी फ्रैंक, जिस प्राइस में इस समय ये मिल रहा है, चाहे वो 55,000 है या सेल में 49 में है, इससे बढ़िया फोन, इससे वैल्यू फॉर मनी फोन आपको नहीं मिल सकता. तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है. जिस समय मैंने लिया था उस समय भी वैल्यू फॉर मनी था, और आज भी ये वैल्यू फॉर मनी है. जो नेक्स्ट बेनिफिट है, दैट इज इट्स कैमरा. अब इसके अंदर दो कैमरा है, एक 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, और दोनों ही कैमरे कमाल के हैं. और इसके फ्रंट में भी एक वाइड एंगल टाइप मोड है, जिससे आप थोड़ा वाइड सेल्फी ले सकते हैं, और फ्रंट कैमरे में भी स्लो मोशंस हैं. तो ये बहुत ही बढ़िया है इसके कैमरे, नो डाउट एक फोन के हिसाब से बहुत ही अच्छे कैमरे हैं. अब मैं फोन को कैमरे के बेसिस पे कैसे जज करता हूं? जैसे आपको पता है कि मैं यूट्यूब में ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं, तो मैं बहुत ट्रैवल कर रहा होता है, और कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि मुझे एकदम से कोई शॉट लेना है, तो उस केस में मैं अपना कैमरा नहीं निकाल पाता, और उस कैमरे में जो सबसे पहले मेरे काम में आता है, दैट इज माय फोन. इसे मैं जल्दी से पॉइंट करता हूं और कुछ भी शूट कर लेता हूं. तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कभी मुझे रिग्रेट नहीं होता. इससे पहले मैंने और फोन जो यूज करता था, उसमें मुझे थोड़ा बहुत फिर भी लगता था कि वो कैमरे की क्वालिटी से मैच नहीं कर पा रहा है, बट ये उसके साथ आसानी से मिक्स हो जाता है, तो मुझे इतना वरी करने की जरूरत नहीं होती. और दूसरी चीज कई बार होती है कि जब हमारे कैमरे की बैटरी डाउन हो जाती है, तब मैं इससे कर लेता हूं. इसकी लो लाइट में परफॉर्मेंस अच्छी है, और वैसे भी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये लिटरली अच्छा परफॉर्म कर जाता है. तो अभी मैं आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखाता हूं.
वैसे इसका कैमरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं चाहूँ तो एक पूरे की पूरी वीडियो पे बना सकता हूँ और मैं आगे फ्यूचर में बनाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल के लिए इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, ये इसका वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है। वैसे तो एप्पल किसी फोन का जो कैमरा होता है वो उसके प्राइस सेगमेंट में सबसे आगे होता है, और इसके में भी सेम केस है, और इवन जो इसका अब जो एडवांस वर्जन आ रखा है आईफोन 12, ये कैमरा उसके नियर अबाउट ही परफॉर्म करता है। अगर साइड बाय साइड आप यूज नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, दैट इज इट्स बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ बहुत कमाल की है। अगर आप अच्छे यूजर हो जो काफी यूज करते हो फोन के, तो भी आप थ्रू आउट द डे इसे बिना किसी भी चिंता के यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप एक ट्रैवलर हैं जैसे कि मैं ट्रैवल करता हूँ, ये उसके लिए बहुत बढ़िया है कि हमें फालतू में इसकी चार्जिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जब आप वीडियो शूट करते हो और अगर फोटोज लेते हो तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। इसके केस में ऐसा नहीं है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और बैटरी लाइफ पर बहुत चीजें डिपेंडेंट होती है, इसे कभी भी इग्नोर मत करें। अगर बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है फोन की, जिसकी वजह से एप्पल शुरू में बदनाम था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप फोन खुल के यूज नहीं कर पाते। लेकिन इस केस में मैं बता रहा हूँ इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। ये उन फोनों में से एक है जिसकी बैटरी लाइफ मुझे लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आई। जो नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, That is its screen. अब इसकी स्क्रीन के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वो LCD है, OLED नहीं है, तो बहुत चीजें बोलते हैं इसके बारे में, बट मैं बताऊं, अगर आप साइड बाय साइड यूज नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या डिफरेंस है। और मुझे जो इसके अंदर चीज बढ़िया लगती है कि इसके जो एक्यूरेट कलर्स हैं और लाइक एक्चुअल स्क्रीन साइज है वो बहुत ही अच्छा है, एक यूज करने के लिहाज से भी, और अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हैं तो उसके हिसाब से भी इसका स्क्रीन साइज बहुत ही अच्छा है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, दैट इज इसकी IP68 रेटिंग। ये थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट फोन है, इसे लोग नोटिस नहीं करते, बट मैंने कई बार ये फोनी में भी यूज किया है। कई बार ऐसा होता है जब बारिश हो रही है और मुझे शूट करना है तो मैंने उसमें यूज किया है, और अगर गलती से पानी में गिर जाए तो ये उसका एक बेनिफिट है। लोग पता नहीं इसे क्यों काउंट नहीं करते, वैसे तो सब फोन्स में आ रही है आईफोन के, बट इसमें ये है, लेकिन उसकी वजह से ये तो नहीं कह सकते ना इसका बेनिफिट नहीं रहा। इसके अंदर ये बेनिफिट है कि ये वाटर प्रूफ है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज है। जो नेक्स्ट थिंग इसकी अच्छी है, दैट इज इट्स स्पीकर। ये काफी अच्छा वॉइस करता है, आप लगभग इसकी आवाज बहुत इंजॉय करोगे। अगर आप मीडिया सिंपल बिना हेडफोन्स के भी देखोगे तो ये बहुत अच्छी आवाज देते हैं। अगर आप 2-3 जने वीडियो देख रहे हो तो इसकी आवाज बहुत लाउड है, और सर्दियों में तो जब AC बंद है तो इसकी मस्त आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं छोटे, उनके ही नियर अबाउट ये परफॉर्म करता है। और इसके अंदर एक और अच्छा फीचर है कि जो इसका फेस स्कैन है, जो फेस आईडी है, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही क्विक है, और जो भी आप फिंगरप्रिंट स्कैनर देखते हैं मार्केट में ये उन सभी से फास्ट है, ये विद इन सेकंड्स अनलॉक हो जाती है। अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी कमियों की। इसकी कमी जो मुझे लगती है, इसके अंदर जो कमी है वो है इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस, जो लिटरली आप नोटिस करोगे। इसकी जो स्क्रीन ब्राइटनेस है कई बार, वो भी बहुत ही कम केसेस में होगा, अगर आप डे लाइट में इसे यूज कर रहे हो तो आप देखोगे इसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो थोड़ी लो रहती है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, गेम चेंजर नहीं है, हल्का फुल्का फर्क है जो मैंने नोटिस किया है, शायद आप उसे नोटिस भी ना कर पाओ। इसके अलावा इसके अंदर इस प्राइस सेगमेंट में इससे बढ़िया फोन नहीं है, आप इसे आंख बंद करके ले सकते हैं, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं यूज करता हूं तो इसलिए बोल रहा हूं, मेरे पास आईफोन 12 भी था, वो भी अच्छा है, नो डाउट, इससे अच्छा है, इतने परफॉर्म करता है, बट ये फोन मैं मेजरली यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मेरा थोड़ा डाटा पड़ा है, और इसके अंदर आप एडिशनल अगर सॉफ्टवेयर डाल लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। यूट्यूब चलाने के लिए एज अ स्टूडियो क्या मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं कभी यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा, और एक सेपरेट रिव्यू इसके कैमरे के रिगार्डिंग भी मैं बताऊंगा, लेकिन लिटरली जो मैंने बताया वो उसके एडिट बेनिफिट्स है। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग पावर, ब्रांड वैल्यू और लुक्स वगैरह तो बढ़िया है ही, तो आप आंख बंद करके इस समय ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 55,000 का भी कोई माड़ा नहीं है, लेकिन इस समय अगर सेल चल रही है तो आप उस सेल से ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, ये मैंने खुद परचेज किया था और मैं इसे यूज कर रहा हूँ, और लिटरली आई एम लव विद दिस फोन, इसने मेरा दोबारा से एप्पल के अंदर प्यार जगा दिया। तो होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जो आपको करना ही होता है, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप मेरे इसमें ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका मन करे तो। बाय बाय।